Good morning, students. How are you? Hope you all will be fine, inshallah. Without wasting our time, let's start our lesson. सबसे पहले आप अपनी नोटबुक रेडी करेंगे. जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, मार्जिन ड्रॉ करने के बाद यूनिट नंबर, यूनिट नेम, लेसन नंबर, लेसन नेम, डेट, डे सबसे पहले ऊपर आपने मेंशन करनी है नोटबुक पे. इसके 6 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में आपको करवाए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन इक्वेटोरियल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर हॉट, वेट एंड ह्यूमिड ऑल ईयर राउंड. द वेजिटेशन इज वेरी डेंस एज द प्लांट्स ग्रो वेरी क्लोज टूगेदर. टेम्परेट फॉरेस्ट आर वेरी कोल्ड एंड द वेजिटेशन इज वेरी डिफरेंट. The trees grow apart and there is ground vegetation in the form of bushes. Equatorial forest में क्या है कि वो बहुत गर्म होते हैं, नमी वाले होते हैं, सारा साल यानी एक जैसे रहते हैं और वहां पे प्लांट्स एक दूसरे के बहुत करीब जो है ना वो उगते हैं. टेम्परेट फॉरेस्ट में, टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो ठंडे, बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं और उनकी वेजिटेशन भी डिफरेंट होती है. प्लांट्स जो है, ट्रीज जो है वो ग्रो करते हैं पार्ट्स में और उनके वो बुशेस में होते हैं, झाड़ियों की शक्ल में होते हैं और ग्राउंड में होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रॉब्लम्स डू पीपल लिविंग इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट फेस. पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू ट्रेवल थ्रू दीज थिक डेंस फॉरेस्ट एंड दे कैन नॉट क्लियर द लैंड फॉर कल्टिवेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लुक एट द मैप ऑन पेज 19, व्हाई आर देयर फ्यूअर temperate forests in the southern hemisphere. There are fewer temperate forests in the southern hemisphere because there is less land mass and more water covering the surface of the earth. कि ये southern hemisphere क्योंकि fewer temperate forest क्यों है southern hemisphere में, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम जमीन है और ज्यादा हिस्सा जो है, जमीन का ज्यादातर हिस्सा जो है वो पानी से कवर किया हुआ है, पानी ने कवर किया है. The ocean's currents on either side of Africa and South America keep the land warmer than the huge land mass of the continents in the northern hemisphere. In northern hemisphere mein oceans kam hai, Africa aur South America ki side pe garam zameen hai aur bahut zyada jagah pe zameen hai northern hemisphere wali side pe. Ye last question tha aapka. Iske baad hum start karte hain exercise. वर्क पेज नंबर 23 है. फाइंड दीज वर्ड्स इन अ डिक्शनरी और एन एनसाइक्लोपीडिया. राइट अ सेंटेंस टू एक्सप्लेन ईच वर्ड. फर्स्ट वर्ड बेडुइन, नेम फॉर नोमड्स ऑफ द अरेबियन डेजर्ट. सिरोको, नेम फॉर द हॉट ड्राई डस्टी विंड. वादी, ड्राई रिवर बेड, इट मीन्स वैली. नोमड, अ वंडरर, अ पर्सन हु डज नॉट लिव इन one place. Cactus, a fleshy plant found in a hot dry climate. Next B part hai, write the words below in the appropriate column. Ye niche words diye hue hain, inko jo inka munasib column hai unme likhna hai. Climate mein kaun kaun si cheeze aati hain, wind, temperature, rainfall, wind. लैंड में सैंडी, रॉकी, वडी, ड्यून्स. वेजिटेशन स्पाइनी, लीव्स, स्टेम, रूट. एनिमल्स कैमल, स्नेक, लिजर्ड्स. नेक्स्ट है हेडजॉग्स, कांटेदार, जंगली. वो आपने पिक्चर्स देखी होगी, ऐसे उर्दू में कहते हैं सह, जिसके ऊपर कांटे से लगे होते हैं. इसका जो फेस है वो थोड़ा थोड़ा रैट से मिलता है, चूहे से मिलता है, लेकिन इसके ऊपर कांटे से, कांटे होते हैं. अगेन अब नेक्स्ट पेज, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. ट्रीज इन अल्पाइन फॉरेस्ट डू नॉट ग्रो वेरी टॉल बिकॉज ऑफ द कोल्ड क्लाइमेट. रूट्स ऑफ